In the continuation of chapter 2 history, we'll take a new point, the 1905 revolution. Before starting this topic, we'll talk about socialism in Russia. पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो रशिया में जो समाजवादी पार्टी का गठन होना शुरू हो गया था, व्लादिमीर लेनिन ये मानते थे कि जो पीजेंस हैं वो अभी भी एक साथ नहीं हैं, तो इसी वजह से उन्होंने अपनी पार्टी पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी समझा, जबकि मेंशेविक जो थे वो ये मानते थे कि जो भी पार्टी में आना चाहे वो आ सकता है। लेकिन लेनिन का मानना ये था कि अगर हम हर तरह के पीजेंस को इसमें इनवाइट कर लेंगे तो हो सकता है कि हमारी पार्टी पॉलिटिक्स आउट हो जाए। तो इसी रिलेशन में हम बात करेंगे ट्रिबुलेंट टाइम ऑफ द 1905। द रशिया फॉर ऑटोक्रेसी, यानी कि रशिया पे निरंकुश, निरंकुश यानी जिसमें कोई भी अपना हस्तक्षेप ना करे, इंटरफेयर ना कर सके, इस तरह का शासन रशिया में था। इस तरह का रूल होने की वजह से ज़ार निकोलस ये चाहते थे कि किसी का भी इंटरफेरेंस उसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लिबरल्स थे, लिबरल्स क्या चाहते थे कि ये मोनार्की सिस्टम ख़त्म हो जाए, रूल ऑफ ज़ार का एंड हो जाए, और इस तरह के जो अफेयर्स यानी कि प्रिविलेजेस ऑफ राइट जो इनको मिलते थे वो ख़त्म हो जाने चाहिए। उन्होंने एक स्ट्रगल मूवमेंट स्टार्ट किया, वो स्ट्रगल मूवमेंट में उन्होंने जितने भी पीजेंट्स थे उनको भी अपने साथ लिया। वो ये चाहते थे कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, और इसके अलावा वो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड भी करने लगे। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर ऑफ नेशनलिस्ट, डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर उन्होंने नेशनलिस्ट की फीलिंग को बढ़ाया, और जो जैडिट्स थे यानी मुस्लिम, वो मुस्लिम जो कि रशिया में मॉडर्नाइजेशन चाहते थे, बदलाव चाहते थे, उन्होंने भी उस पार्टी का सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा किया। इन द ईयर ऑफ 1904 वॉज द वर्स्ट फॉर रशियन वर्कर्स, 1904 रशियन वर्कर्स के लिए बहुत ही ख़राब समय था। क्यों ख़राब समय था? क्योंकि जो प्राइस थी वो राइज होती जा रही थी, तेज़ी से बढ़ती जा रही थी, जबकि उनकी जो सैलरी थी वो कम थी। कम का मतलब कि प्राइस इतनी ज़्यादा राइज हो गई थी कि उनकी सैलरी नियर अबाउट 20% उनके लिए कम होने लगी थी। अब जो पुटिलॉव आयरन वर्क्स थी उसमें उन्होंने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। लगभग 1,10,000 वर्कर्स उन्होंने स्ट्राइक कर दी। उन्होंने स्ट्राइक क्यों कर दी कि हमारे जो वर्किंग आवर्स है उसको रिड्यूस किया जाए, हमारी सैलरी को इंक्रीज़ किया जाए, प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटी हमको दी जाए, और इसके अलावा जो और दूसरी डिमांड है उसको भी माना जाए। तो जब उनकी इन बातों को नहीं माना गया, उन्होंने स्ट्राइक कर दी, वो फैक्ट्रीज छोड़ छोड़ के बाहर आ गए, और इन द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स लेड बाय द फादर फादर गैपोन के लीडरशिप में उन्होंने विंटर पैलेस की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। उस विंटर पैलेस की तरफ जब उन्होंने मार्च किया तो पुलिस ऑफ ज़ार यानी कि उनकी जो पुलिस थी उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया, जिसमें कि लगभग 100 लोग मारे गए। 100 लोग तो मार दिए गए, और ये माना जाता है कि 300 लोग घायल हो गए। इतने ज़्यादा घायल होने की वजह से और मरने की वजह से, क्योंकि उस दिन संडे था, इसी वजह से वो ब्लडी संडे के नाम से जाना गया। अब ये स्ट्राइक क्या हो गई, और भी फैल गई। उनको ये लगा कि अगर हम अटैक करेंगे तो अटैक करने की वजह से क्या होगा कि ये लोग डर जाएंगे और वापस अपने काम पे चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये स्ट्राइक वाइड स्प्रेड, जो टीचर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, जो बिजनेस होल्डर थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, कहने का मतलब जो भी दूसरे लोग थे सभी ने इसमें पार्टिसिपेशन करना
स्टार्ट कर दिया, उन्होंने इस यूनियन में साथ देना शुरू कर दिया और वो किसकी डिमांड करने लगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड वो करने लगे। ड्यूरिंग द 1905 ज़ार अलाउड क्रिएशन ऑफ एन कंसल्टेटिव डूमा। जब उन्होंने ये देखा कि अब ये लोग हमारे बस में नहीं आने वाले हैं, इनकी डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। और जो रशिया में रूल था वो कैसा था, ऑटोक्रेटिक रूल था, ऑटोक्रेसी होने की वजह से अब उसको ये लगा था कि अब अगर ये सब लोग अगेंस्ट हो जाएंगे तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसने एक कंसल्टेटिव डूमा का मतलब है, कंसल्टेटिव का मतलब होता है परामर्श देना, यानी कि उन्होंने कुछ ऐसे लीडर्स जो कि लिबरल्स या जो डेमोक्रेट्स थे उन लोगों को, या जो वेल्दी थे उन लोगों को एक डूमा, यानी क्या होता है कंसल्टेटिव, मतलब जैसे हम कह सकते हैं एक ऐसी कमेटी जिससे कि वो राय ले सके, लेकिन फाइनल क्या होगा, फाइनल वो ही होगा जो कि वो जाएगा। ऐसा उसने एक स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, अब इसमें उन्होंने स्टार्ट तो कर दिया लेकिन उसको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि जो लिबरल्स थे और जो अदर मेंबर्स थे वो ये चाहते थे कि जो भी बदलाव आए वो हमारे अनुसार हो, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ था। ज़ार अलाउड क्रिएशन ऑफ कंसल्टेटिव डूमा इन विद इन 75 डेज उसने क्या किया, उस डूमा को सस्पेंड कर दिया। कंसल्टेटिव डूमा को उसने सस्पेंड कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसके जो मेंबर थे वो उसको डिफरेंट डिमांड के लिए बोलने लगे थे। फिर वापस एक रीइलेक्टेड डूमा हुई, यानी कि वापस नए मेंबर्स ऐड करके नई डूमा बनाई गई। वो नई डूमा भी थोड़े टाइम में, विद इन 3 मंथ्स, थोड़े दिनों में उसको भी ख़त्म कर दिया गया। He didn't want any questioning of his authority of any reduction of his power, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी जितनी भी शक्तियाँ हैं उन शक्तियों में किसी भी तरह की कोई कमी आए। इसी वजह से उसने रिकंस्ट्रक्ट जो डूमा थी उसको भी ख़त्म कर दिया और फिर फाइनली एक नई डूमा बनाई जिसमें उसने कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन, यानी कि जो ऑर्थोडॉक्सी थे ना, जो ये चाहते थे कि नहीं हम जो नोबल्स हैं उनके जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी रहने चाहिए और कुछ चेंजेस आने चाहिए जिस जैसा कि हम चाहते हैं, तो उन्हीं लोगों को उसने थर्ड डूमा में प्लेस दिया या इलेक्ट किया। लिबरल एंड रिवोल्यूशनरी वर कैप्ट आउट। वो लिबरल्स, वो रिवोल्यूशनरी, वो डेमोक्रेट्स, वो पीजेंस जो कि रशिया में चेंज चाहते थे, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, उनको इस डूमा से बाहर रखा गया। अब हम पढ़ेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। अभी हमने पढ़ा था 1904 एंड 5 का जो कंडीशन था वो हमने पढ़ा था। अब वापस हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर। In 1914 were broke out between European alliances. European alliances क्या थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की सेंट्रल पावर थी एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, लेटर इटली और रोमानिया भी उसमें इंक्लूड हो गए थे, वो उनके अगेंस्ट पावर थी। ईच कंट्री हैड ए ग्लोबल एम्पायर एंड वॉर वॉज फॉट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप। जो लड़ाई लड़ी गई थी वो यूरोप और यूरोप के साथ बाहरी हिस्से में भी लड़ाइयाँ चली थी। इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रेड अराउंड ज़ार निकोलस। रशिया में जो ये वॉर था ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ा था और जो लोग थे वो ज़ार यानी कि किंग के चारों तरफ मंडराने लगे थे। As the war continued through, the Tsar refused to consult the main parties in Duma. अभी वॉर हो गया, वॉर होने की वजह से क्या हो गया कि जो circumstances यानी परिस्थितियाँ बन रही थी उसमें बदलाव आ गया। बदलाव आने के साथ ही अभी लोग क्या करने लगे, उसमें participation के लिए चारों तरफ उसके मंडराने लगे।
तो अब स्थितियां बदल चुकी थी और जो कंसल्टेटिव डूमा थी उसमें से उसके मेंबर्स से परामर्श लेना यानी कंसल्ट करना जार ने बंद कर दिया। जर्मन नेम एज पेट्रोग्रेड दैट जारियन एलेक्जेंड्रा जर्मन ओरिजिन एंड पुअर एंड वाज स्पेशली मंगोल रास्पुतिन मेड बाय ऑटोक्रेटिक अनपॉपुलर। उन्होंने इसको अनपॉपुलर करने का पूरा पूरा कोशिश किया। जैसा कि आप जानते हैं एज यू नो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर फ्रॉम द ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इन द वेस्ट आर्मीज फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस अलोंग ईस्टर्न फ्रांस यानी कि वो इधर से उधर